ताकतवर और दबंग लोगों का अत्याचार इन गरीब लोगों पर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। सरकार कितनी बेशर्म है कि ये अपने ही लोगों पर जोर आजमाइश कर रही है और इन गरीब लोगों को जेल के अंदर भेज दे रही है और अपने अफसरों और विधायकों को पूरा शेल्टर दे रही है। ये देखने वाली बात है। अभी बांदा में वहाँ के विधायक ने शीलू से बलात्कार किया, इसको लेकर के जिस तरह सरकार ने कार्रवाइयाँ की हैं, यहाँ की महिलाओं में जबरदस्त गुस्सा है। इलाहाबाद शहर से लगभग 22-23 किलोमीटर दूर एक घोरपुर नामक क्षेत्र, यहाँ की महिलाओं ने इकट्ठा होकर के इस समस्या को लेकर के शहर के अंदर एक जुलूस निकाला और सरकार से मांग की है। इनकी क्या मांग है, आइए ये देखते हैं। आपका क्या नाम है? वर्षा। वर्षा किस क्लास में पढ़ती? वर्षा 10th में। तुम इस जुलूस में क्यों आई हो? इस जुलूस में हम लोग इसलिए आए हैं कि बांदा जिले में विधायक के द्वारा सीलू के साथ बलात्कार किया गया। हाँ। जब विधायक लोग ही ऐसा करेंगे। हाँ। तो आम लड़कियों को तो मतलब वो काम करने गई थी। हाँ। सीलू उसके घर में। अगर विधायक मतलब लड़कियों के कहीं काम करना, गरीब लोग कहीं काम भी नहीं कर सकते हैं। किसी घर में लड़कियां कहीं बाहर जाएंगी तो उनको बुरी नज़र से देखते हैं लोग, तो क्या लड़कियां कहीं बाहर भी नहीं निकल सकती जब विधायक ही ऐसा करता है? बहुत से ऐसे अत्याचार हो रहे हैं जो हमारे मजदूर साथियों के साथ में हो रहे हैं। बहुत से ऐसे हो रहे हैं कि इलाके में ऐसे हो रहे हैं, उनके साथ में झोपड़ियाँ, उनके घर वो उजाड़ देते हैं। ये बड़े जो पूंजीपति हैं, ये दबंग लोग हैं, इनका इतना प्रभाव पड़ता है कि पुरुष लोग हैं तो वो जैसे कि भाग जाते हैं, लेकिन महिलाएं ही रहती हैं कि जो पिट जाती हैं। महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वो पिटते रहते हैं। इसलिए महिलाएँ लड़ रही हैं कि हम लोग लड़ रहे हैं कि हमारा भी अपना संगठन। अगर मान लो इस तरह का न्याय नहीं मिलता है, तो फिर से हम लोग जुलूस निकालेंगे और कई प्रकार से आतंक फैलाएंगे। शीलू कांड के बारे में मुझे जो लगता है, जैसे उस दिन जिस तरह महिलाओं ने रैली निकाली और जिस तरह से गांव से महिलाएं आके और इतना जोश और उनमें नाराज़गी थी, वो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं इसने हर एक इंसान पे, हर संवेदनशील प्राणी को असर डाला है। क्योंकि ये उन्हें लग रहा था कि एक विधायक के द्वारा, एक महिला के द्वारा इस बलात्कार करना महिला पे और उसको झूठे इल्ज़ाम लगा के जेल में डालना, एक तरह से मतलब पावर का किस तरह का मिसयूज़ हो सकता है, ये वो खुद की ज़िंदगी में देखते हुए इस बात को अच्छे से महसूस कर सकती है और इसलिए उनका गुस्सा इस पे निकला। कुछ एक पीड़ित लोगों ने आवाज़ उठाने की कोशिश की और उनके चेहरे सामने लाए गए। इसी में से एक कांड ये भी है, बांदा का शीलू बलात्कार कांड, जिसमें पीड़िता ने उस विधायक का चेहरा सामने लाने की कोशिश की, पर सरकार ने उन अपराधियों को, उन अफसरों को किस तरह से बचाने की कोशिश की है, ये सब आपको मालूम है। जिस तबके ने यहाँ पर आज सड़कों पे आवाज़ उठाई, उनकी संख्या भले ही थोड़ी रही हो, ऐसी घटना हमारे साथ भी हो सकती है। इन्हीं सब बातों को लेकर के इन महिलाओं ने यहाँ पर जुलूस निकाला। लेकिन अफसोस तो ये है कि हमारे बीच का जो सबसे पढ़ा लिखा तबका है, वो कितना संवेदन नहीं होते, वो इस मुद्दे पर सड़क पर निकल करके आता ही नहीं है। इन लोगों की मांग है कि इन अपराधियों को कड़ी सी कड़ी सजा दी जाए। मैं अजीत बहादुर, इलाहाबाद से, इंडिया अनहर्ड के लिए।